इसे नहीं टेस्ट करेंगे, और सारे जितने बिक रहे हैं आपको इसके साउंड सुनाएंगे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो लास्ट टाइम भाई मैं दिल्ली गया था, और दिल्ली से आगे वो चंडीगढ़, और दिल्ली में एक जोश पता किए थे, सब कुछ डेड था भाई मेरे पास, जो फोन कैमरा वगैरह सब डेड हो गया था। रीजन क्या था, रूम में भटक गया था, रूम तक जाने का रास्ता बड़ा मुश्किल से मिला, मैं रूम पे पहुंचा सो गया था मैं। तो मैंने चार्ज किया और वापस भाई का कॉल आया कि मैं एयरपोर्ट पहुंच गया, मेरे मिलने आ जा। तो मिलने के चक्कर में मैं एयरपोर्ट चला गया, तो फिर वापस में टैक्सी लगी हुई थी, और जिस तरह दिल्ली की मुश्क थी, गंद थी, मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया था दिल्ली से। तो मैंने कहा भाई वापस घर भाग गया, तो क्या करना है यहाँ पर, मेरे को इससे बढ़िया डील चंडीगढ़ में मिल रही है, मैं चंडीगढ़ में एग्जॉस्ट वगैरह लगवा लूंगा। तो आज हम जा रहे हैं आपके लिए, जो स्पेशल आपकी डिमांड थी कि एग्जॉस्ट लगाओ आरएस में, इसका कुछ न्यू लगाओ। तो जैसे लास्ट टाइम ये वाइजर किसी ने तोड़ दिया था, ये भी मैंने नया लगा दिया, इसमें थोड़ा वाइब्रेशन आ रही, तो डबल साइड सॉरी डबल एमएम जो आते हैं ना 3mm टेप वो लगानी पड़ेगी इसमें, तो इसकी वाइब्रेशन खत्म हो जाएगी। आज ये भी कर देंगे, फ्रंट टायर जिसका जार का खत्म होगा फ्रंट टायर भी वो भी चेंज कराएंगे, प्लस इसका एग्जॉस्ट भी चेंज कराने वाले। तो आज की वीडियो में देखते हैं क्या क्या चीज़ आपको दिखाता हूं, और कौन कौन सी वैरायटीज के एग्जॉस्ट उनके पास पड़े हैं वो सब दिखाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले चलते हैं, जो पड़ा है अभी हमारे बाइक में जो स्टॉक एग्जॉस्ट, इसका साउंड सुनाता हूं मैं आपको। गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, जो मेरा पहले जो वाइजर था ना, इसी जगह में किसी ने तोड़ा था, और मेरे को इस बात का कोई दुख नहीं है, मैं तोड़ दिया, मैंने वैसे चेंज करना था, बाद में कराऊं उसी टाइम कराऊं, अब तो करा ही दिया। दूसरा मैं इसका ना आपको स्टॉक साउंड सुनाने वाला हूं, जो इसका स्टॉक साउंड है वो कैसा आता है, और उसमें एग्जॉस्ट लगाने में तो कैसा साउंड आएगा, प्लस इसका जो टायर कंडीशन है ना भाई, अभी दिख तो रहा है एकदम नया कितना रहा है, जो भी टायर कंडीशन है दिख तो ऐसा रहा कि जो नया होगा, बट असल में इसकी जो ग्रिप है ना खत्म हो चुकी है, ये हर टाइम फिसलता है, इसलिए ये भी चेंज कराना है। अभी चल तो जाएगा बहुत, बट रिस्क नहीं लेना, क्योंकि मैं जा रहा हूँ संडे राइड, दो तीन महीने हो गए मैं संडे राइड नहीं किया लद्दाख जाने से पहले, लास्ट टाइम किया था उसके बाद कभी नहीं किया, अभी तक संडे राइड नहीं जा पाया। और एक बार आपको साउंड सुना देता हूँ मैं बाइक का, उसके बाद आपको जो एग्जॉस्ट लगाऊँ उसका साउंड सुनाऊंगा। तो भाई लास्ट टाइम किसी ने ये तोड़ दिया था, अभी एकदम नवा लगा दिया, अब इसके ऊपर ना वाइब्रेशन आ रही है, इसके लिए मेरे को यहाँ साइडों में इसके 3mm टेप लगानी पड़ेगी पूरे में, तो ये भी करेंगे आज, और चलते फटाफट फिर 21 सेक्टर में जहाँ पर एक काम करवाऊंगा, और वहीं जाके मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी जा रहे हैं हम 21 सेक्टर के लिए, और एक सीन हो गया भाई, सबसे गंदी क्लोर क्या होगी, मैं सुबह 10 बजे जाने का टाइम बोल रखा था, यहाँ 12 यहीं बज गए। अब जावेद भाई ने बोला था 10 बजे जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी अच्छी से अच्छी वीडियो बना पाएंगे, जितना लेट आएगा उतनी वीडियो नहीं बन पाएगी अच्छी तरह। तो भाई फटाफट चलते हैं जावेद भाई के शॉप पे, वहाँ जाके आपके लिए जो उसकी सारी वीडियो लेके आऊँगा मैं, अगर वहाँ पर कस्टमर आ गए होंगे ना भाई, सीरियसली कह रहा हूँ मैं, फिर तो भाई वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट कोशिश तो पूरी रहेगी भाई वीडियो बन पाए। आज ही बाइक में टायर भी इंस्टॉल करना है, क्योंकि जो मेरा टायर है ना आगे वाला पूरा खत्म हो रखा है, और संडे राइड लाइक बिल्कुल नहीं बचा है, तो ये चेंज करना है, सबसे बड़ी बात यही है। और ये एग्जॉस्ट नहीं भी लगेगा फिर भी चलेगा, बट टायर तो लगा के आऊँगा आज मैं। एग्जॉस्ट क्या है कि एग्जॉस्ट मैं झेल लूँगा, मैनेज कर लूँगा, एक दो हफ्ते की मार है, बट जो अपना टायर है ना ये भाई बिल्कुल भी नहीं बचा लीन करने के लिए, और डेंजर रहा है भाई इसमें राइड करना भी, भाई कभी थोड़ा सा भी जैसे मोड़ हो तो भाई टायर कहीं भी अपनी जगह छोड़ देता है, इधर को फिसल जाता है, तो ये दिक्कतें आ रही मेरे को, तो इसलिए फटाफट जाते हैं और टायर भी चेंज करा दूंगा आज, और एग्जॉस्ट भी लगा के आ दूंगा। बस अब जा रहा हूँ यार फटाफट से ना, इसका एग्जॉस्ट इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही है ना बॉडी में एग्जॉस्ट के लिए, बहुत टाइम सपना देखा था एग्जॉस्ट लगाऊंगा अपनी आरएस में एग्जॉस्ट लगाऊंगा, तो मन नहीं कर रहा था, फिर बीच में पता क्या हो गया था, ये सीन रह गया था यार कौन लगाएगा एग्जॉस्ट छोड़ो, बट अब तो दोबारा आप सब ने इतनी ज़्यादा डिमांड कर दी, तो कुपैन की आँख, बड़ा सही बंदा है यार तू तो। भाई ये बड़ा खतरनाक राइडर है, मरवा दिया था इसने। और सलमान क्या हाल है भाई तेरे, आज अगले उसकी वीडियो बनानी है। सबसे पहले हमने बैंड पाइप उठा ली भाई अपनी, बैंड पाइप लेने के बाद एग्जॉस्ट जनरेटर का नंबर है, आरएस हमने बाहर लगा रखी है, वहीं पर जा रहे, क्योंकि लाइट का थोड़ा इशू आता अंदर, तो उसे बचने के लिए हम बाहर ही आज सारा काम करेंगे, और जो उसकी साउंड है ना भाई वो भी सुनाएंगे। अभी आपको मैंने स्टॉक साउंड सुना दी, उसके बाद इसके साथ कैसे साउंड आती है और एग्जॉस्ट का कैसे साउंड आती है, तो ये है भाई देख लो, उसके बाद कुछ और भी ढूंढ रहे अभी और मिल जाए थोड़ा और मज़ा आएगा, जैसे कार्बन वाला मिल जाता तो मज़ा आ जाता है यार। तो गाइस सारे एग्जॉस्ट मैंने निकलवा दिए भाई से, अब बाइक में काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ भाई, मेरे को ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसका साउंड सुनेंगे अगर अच्छा रहा तो यही हम इंस्टॉल करने बाइक में, और बहुत सारी एग्जॉस्ट आपके सामने दिख रहे होंगे अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग प्राइस के, इनमें क्या डिफरेंस है भैया आपको बाद में बता देंगे, भाई कौन सा एग्जॉस्ट यार सारे सेम दिखते हैं, बट इनके अंदर क्या चेंजेस है वो भी भैया आपको बताएंगे, और कौन सा लेना चाहिए। तो भाई सबसे पहले खोल रहा हूँ इसका कैडिली कन्वर्टर जो इसकी बॉडी में लगा हुआ है, इससे क्या होगा इसकी साउंड जो है ना सारी वहीं रुकती है, और ये बैक प्रेशर भी बनाता था बट अब ये निकल रहा था, अभी साउंड आएगा इंक्रीज़ खतरनाक, और ये सारे एग्जॉस्ट हमने यहाँ पर रखे हुए हैं,
तो इसे खोलने में टाइम लगेगा। स्टॉक आवाज मैंने आपको सुना दी थी, फिर भी दोबारा सुना देता हूँ, और जो इसके बाद की जो साउंड है वो आपको सुनाएंगे बैंड पाइप से कैसा साउंड आता है। तो गाइस अभी हमने सिर्फ अपना जो अपना ये स्टॉक एग्जॉस्ट था ना वो निकाल दिया, तो कैटलिंग लगा हुआ इसका साउंड सुना देता हूँ मैं। इसका भी सही आ रहा है यार, ये निकाल के चलानी चाहिए थी एक दो हफ्ते, मजा आ रहा है इसका साउंड भी। इसका साउंड भी अल्टीमेट आ रहा भाई, सीरियसली कर रहा हूँ मैं। ये कैडिलिक निकालने में भाई एक घंटा लग गया ऑलमोस्ट, और ये लगाने निकालने का रीजन यही था, ये बहुत हैवी है यार, इसकी वजह से ना ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम हो जाती है आरएस की, 10 किलो का होएगा ये कम से कम। तो ये संभाल के रख देते हैं, नेक्स्ट टाइम काम आएंगे, क्योंकि अब मार्च अप्रैल आने वाला है और पुलिस के बहुत ज़्यादा चलान रहते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए भाई ये हम वापस फिट कर देंगे बाद में। अभी इसका साउंड सुनाता हूँ मैं सबसे पहले आपको, नहीं भाई आपको साउंड सुना रहा हूँ इसका, ये भी मैंने आपको नॉर्मल साउंड सुना दिया, अब लगा रहे हैं ये वाले बैंड पाइप, और उसके बाद ये सारे एग्जॉस्ट मैंने ट्राई करने वाले इसे छोड़ के, ये स्टॉक है भाई इसे नहीं टेस्ट करेंगे, और सारे जितने दिख रहे हैं आपको इसके साउंड सुनाएंगे, और किसका साउंड बेटर लगेगा वही हम इस पर अप्लाई करने वाले आरएस पे। ये तीन को तो छोड़ दिया, मिस कर देना तीन को, ये वाले जो है ना ये खुले खुले से हैं, ये खुले खुले इनको नहीं लगा रहा भाई मैं, और जितने भी मुंह बंद वाले हैं उन्हें को लगाऊंगा। तो गाइस सबसे पहले हमने इसकी जो बैंड पाइप लगा दी है, अब इसका साउंड सुनाता हूँ मैं आपको बैंड पाइप में, उसके बाद भैया बताएंगे एग्जॉस्ट के नाम और प्राइस, और इनका साउंड में क्या क्या चेंजेस आते हैं, मतलब क्या इनका चेंजेस रहते हैं इनकी बनावट में। तो भैया थोड़ा साउंड सुना दो इसका बैंड पाइप के साथ, चाबी ऑन है फिर से। तो भैया सबसे पहले कौन सा एग्जॉस्ट लगा रहे हो आप पहले? ये एसी है भाई, एसी प्रोजेक्ट। क्या प्राइस है भैया इसका? ये 1800 भाई, ये 1800 है। इसका साउंड सुनते हैं, सबसे स्टार्टिंग प्राइस यही है इन एग्जॉस्ट का, मतलब जो एग्जॉस्ट आते हैं ना सबसे स्टार्टिंग प्राइस वाला है। तो इसका साउंड सुनाता हूँ, और क्वालिटी भी अच्छी है अंदर से देख लो भाई, काफ़ी प्यारा बना रखा है, बट वही ये साउंड सुनेंगे क्योंकि इसमें पुलिस वाले बहुत जल्दी रोकेंगे, ये तो डंडे खाने वाला काम है इसलिए इसे दूर ही रहो, फिर भी ट्राई करेंगे, इसका साउंड तो सुनेंगे भाई। ये 1800 वाला था, सबसे कम प्राइस में यही एग्जॉस्ट मिलेगा, और इसका जो प्राइस है, सॉरी प्राइस करो मैं, इसका जो साउंड है मैंने आपको सुना दिया, प्राइस भी बता दिया 1800 रुपये। एससी प्रोजेक्ट है ये, कौन सा है? एससी है। तो भाई अगर लेना होगा तो आ जाना, चाहे तो भाई की शॉप 5 नंबर है, अब किस सेक्टर में 4 नंबर शॉप है, आके ले जाए। अब दूसरी वाड़ी की बारी है, मुकुल भाई ये तो रखते वहाँ पर, अब दूसरी वाड़ी की बारी सुनते हैं। ये है भाई एक्रोपॉविक, ये कितने का भैया? ये भैया 2800 रुपये। ये 2800 वाला एक्रोपॉविक है, विदाउट टीवी किलर है भाई, विदाउट टीवी किलर है, तो उसका साउंड सुन लो एक बार आप। यही वाला ये लगाते हैं हम। ओ भाई साहब क्या आवाज आई पूरी दबाने की देते हैं, तो इसका नंबर देखते हैं भाई इसे कैसा साउंड आएगा। टीवी किलर नहीं है, क्या प्राइस?
होएगा। ये 4000 वाला था, अभी 1800 भैया कितने का भैया? ये 2300 वाला। इसका साउंड सुनते हो, ये कार्बन करके महंगा है। ये कार्बन करके महंगा है और सेम है, मतलब है एसी का सेम है और बस कार्बन करके महंगा है। डिटेल है भैया बताइए भैया, पूरा साउंड आ गया यार, साउंड दबा दो, डीबी कलर डालो भैया इसका। ये भी 2500 का है भाई। अब नेक्स्ट आ रहा हूँ ब्लैक वाला लाइयो भाई, एक लिया ब्लैक में से कोई, दोनों सेम है। सेम है क्या, अलग अलग है दोनों? अलग अलग है ना। तो भाई ये इसका प्राइस कितना भैया? 2500। ये 2500 वाला, इसका साउंड सुनते हैं। अभी इसका ना डीबी किलर आ रहा है, जब तक डीबी किलर आएगा ना तब तक इसका साउंड मैंने आपको सुना दिया। अब ये विदाउट कौन सा ग्लास है, इसमें विदाउट ग्लास वाला है। अभी ग्लास वाला जो है मुकुल भाई के हाथ में, ये वाला लगाएंगे, इसका साउंड देखते हैं क्या डिफरेंस है। इसका अंदर से ग्लास ही रहा भाई, देख लिया तो इसमें नहीं है। अब इसका डीबी किलर लगा के देखते हैं साउंड कैसा चेंज होता है। बंद कर दो, ये मिनी से भी गुजरा है, मिनी ज़्यादा प्यारा साउंड दे रहा है इससे। अभी ग्लास वाला लगा रहे भाई, ठीक है 2800 प्राइस है इसका। विदाउट डीबी किलर, अब डीबी किलर के साथ सुनते हैं। भाई इसका डीबी किलर का साउंड सुना दिया मैंने आपको, विदाउट डीबी किलर भी सुना दिया और इसका प्राइस 2800 है। तो भाई पहला एग्जॉस ये है एक्रापॉबिक का, कार्बन वाला भी आया नहीं है, तो ये देख रहा हूँ मैं कैसा। कमेंट करो जल्दी, लगवाने की वीडियो जल्दी आई, देखते कौन सा लगाते हैं।